चलो नहीं। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका रैंकस गुरुकुल यूट्यूब चैनल पे। और आज जैसे कि आप देख पा रहे हैं कि फिगर सीरीज हम शुरू करेंगे, और फिगर सीरीज में हम आपको लेटेस्ट क्वेश्चन कराएंगे जो कि अभी अभी ताज़ा ताज़ा आए हैं, ठीक है। उसके साथ साथ हम CHSL के भी क्वेश्चन देखेंगे, CPO के भी क्वेश्चन देखेंगे, CGL के भी क्वेश्चन देखेंगे, हर टाइप के क्वेश्चन देंगे। फिगर सीरीज एक नया टॉपिक ऐड हुआ है पिछले एक साल में, पिछले एक साल से ये क्वेश्चन ज़्यादा आ रहे हैं। पहले बैंकिंग में आते थे और अब तो लेवल भी बढ़िया बढ़िया आने लगा। तो आपके एग्जाम में, आपके आने वाले CGL और CHSL में ये वीडियो बहुत मदद करने वाली है। इसी टाइप के सवाल आएंगे, यही आएंगे, इसी टाइप के सवाल आपको करके जाने हैं। आज जो मैं आपको पैटर्न कराऊं वही पैटर्न आपको करने हैं। बड़े ध्यान से उन पैटर्न को याद कीजिएगा, बड़े ध्यान से उन चीज़ों को देखिएगा। दो चीज़ें होती हैं फिगर सीरीज में, एक कोई पर्टिकुलर फिगर रोटेट हो, मैंने क्या बोला, कोई पर्टिकुलर फिगर रोटेट हो रही हो, दूसरी आपको पता ही ना चले कि फिगर रोटेट कैसे हो रही है। तो ऐसे केस में ज्यादा मुश्किल सवाल बनता है कि जब आपको यही ना पता चले कि फिगर रोटेट कैसे हो रही है, तब आपको नहीं पता चलता। ऐसे केस में हम क्या करेंगे, ऐसे क्वेश्चन भी हम डिस्कस करेंगे कि जिसमें पर्टिकुलर, जैसे इस क्वेश्चन में आपको पता है कि फिगर रोटेट हो रही है लेकिन किसी और क्वेश्चन में फिगर रोटेट नहीं हो रही, तो ऐसे केस में हम क्या करेंगे, ठीक है। चलो देखो, गुड इवनिंग भाई, गुड इवनिंग, गुड इवनिंग, नमस्कार। बी कौन सा टॉपिक ज्यादा इंपॉर्टेंट है, टॉपिक कौन सा इंपॉर्टेंट है जानना चाहते हो? मेल मेरे को करनी थी, वो मेल नहीं हो रही थी। चलो देखो, बताता हूँ कौन सा टॉपिक, लास्ट में बताता हूँ कौन सा टॉपिक इंपॉर्टेंट है। देखो बच्चे, सिंपल सा फंडा है कि ये पहले इस तरफ हुआ, देखो इस पार्ट पे ध्यान दो, ये पहले इस तरफ हुआ, फिर ये इस तरफ हुआ, फिर ये इस तरफ हुआ, अब ये इस तरफ होगा। देखो पहले ये इस तरफ हुआ, फिर ये इस तरफ हुआ, फिर ये इस तरफ हुआ, तो फिर ये इस तरफ होगा। इस तरफ होगा इसका मतलब ये सेंटर वाला पार्ट जो है वो इस तरीके से बनेगा कि ये डार्क पार्ट यहाँ रहे, फिर सेंटर में एक सर्कल रहे, फिर एक सर्कल रहे, वो वाइट रहे। दोबारा समझते हैं, ये जो ब्लैक पार्ट है इस पर ध्यान दो, ये पहले ऊपर चला गया 90 डिग्री क्लॉकवाइज, फिर यहाँ आ गया 90 डिग्री क्लॉकवाइज, फिर ये नीचे आ गया 90 डिग्री क्लॉकवाइज, फिर ये नीचे से यहाँ साइड आ जाएगा 90 डिग्री क्लॉकवाइज बन जाएगा। बोलो बात क्लियर, ठीक है। तो 90 डिग्री क्लॉकवाइज बन जाएगा, तो ये दो ऑप्शन गए, अब दो बचे, अब इन दो पे ध्यान दो। कोई बी बोलेगा तो कोई डी बोलेगा। याद रखना बच्चे, फिगर के जितने भी क्वेश्चन है, चाहे फिगर सीरीज हो, चाहे मिरर में जो, वाटर में जो, पेपर कटिंग हो, पेपर फोल्डिंग हो, फिगर के जितने भी सवाल हैं उनमें आप ये मत ढूंढना कि कौन सा सही है, आप ये ढूंढना कि कौन सा गलत है, कौन सा गलत है, ठीक है। अगर आप इस तिरछी लाइन को देखोगे तो पहले ये इस डायरेक्शन में थी, फिर 90 डिग्री रोटेट हुई, फिर ये इस डायरेक्शन में हुई, फिर ये 90 डिग्री फिर रोटेट हुई, फिर ये इस डायरेक्शन में हुई, फिर ये 90 डिग्री फिर रोटेट हुई, फिर ये इस डायरेक्शन में हुई, फिर ये 90 डिग्री फिर रोटेट होगी तो ये इस डायरेक्शन में बनेगी, इस डायरेक्शन में बनेगी बच्चे, ये ध्यान रखो। अभी इस डायरेक्शन में बनेगी तो इस डायरेक्शन में ऐसे तिरछी होनी चाहिए, ऐसे तिरछी नहीं होनी चाहिए, गलत। तो डी इज द राइट आंसर। बहुत बच्चे इसको बी बोल रहे थे, तो बी गलत है। एक बार फिर समझा दूं, यस और नो, बी गलत है, डी बिल्कुल सही है कि डी इस डायरेक्शन में तिरछी लाइन होगी, ठीक है। डी इस डायरेक्शन में तिरछी लाइन होगी तो इसी डायरेक्शन में आनी चाहिए, ठीक है। तो डी इज द
राइट आंसर, छोटी सी गलती होती है जो कि 80% स्टूडेंट की शुरुआत में गलती हुई थी। गलती सबसे बड़ी ये होती है, वो छोटी सी गलती है लेकिन वो सबसे बड़ी है। गलती ये होती है कि आप सही आंसर ढूंढने लग जाते हो, आपको लगता है बी लग रहा है, आपको लग रहा है बी है और आप बी पे टिक कर देते हो क्योंकि आपको वो लग रहा है, और वो लग रहा है तो आप सही तो हो नहीं। जब तक आप गलत आंसर, अगर आप डी पर जाते तो आपको डी भी लगता, अगर आपको बी लग सकता है तो आपको डी क्यों नहीं लग सकता, डी भी लगता। फिर आप ट्रायंगल की रोटेशन देखते, ट्रायंगल को रोटेट करके देखते, और ट्रायंगल को रोटेट करने से आपको पता चलता कि डी इज द राइट आंसर। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ेंगे, अगला क्वेश्चन देखो जल्दी से, जल्दी बताओ। रीजनिंग में मॉक टेस्ट में 25 में से 21 बन रहे हैं, क्या करूं सर प्लीज रिप्लाई। सुशील कुमार, देखो देखो बच्चे, रीजनिंग में क्या है कि 25 में से 21 बन रहे हैं, इसका जवाब मैं दूंगा, अभी थोड़ी देर वेट कर लो। जल्दी से वीडियो को लाइक नहीं किया बच्चों ने, वीडियो को जल्दी से लाइक करो और शेयर कर दो, जल्दी से फटाफट शेयर कर दो। जाओ देखो, इसमें भी पहले हम यही ढूंढेंगे कि फिगर रोटेट कैसे हो रही है। ये जो ये डायरेक्शन देखो, ये पहले इस तरफ रोटेट हुई 90 डिग्री, फिर ये इस तरफ रोटेट हुई 90 डिग्री, तो फिर ये इस तरफ रोटेट होगी 90 डिग्री, उसके बाद ये इस तरफ रोटेट होगी 90 डिग्री। अब ये 90 डिग्री इस तरफ जाएगी, मतलब ऊपर की तरफ जाएगी, यानी कि ये वाली जो पार्ट है वो ऐसे होगा, उसके बाद देखेंगे स्क्वायर कैसा बनेगा, बट एटलीस्ट ये वाला पार्ट ऐसे होगा और ये वाला पार्ट ऐसे होगा, तो ए खत्म। दोबारा समझते हैं, पहले 90 डिग्री यहाँ रोटेट हुआ, फिर 90 डिग्री यहाँ रोटेट हुआ, फिर 90 डिग्री यहाँ रोटेट हुआ, फिर 90 डिग्री यहाँ रोटेट होगा, तो ये बनेगा। अब सेंटर वाले पार्ट में ये देखो, क्या तीनों में किसी में कोई डिफरेंस है? नहीं है, तीनों में कोई डिफरेंस नहीं है, तीनों में। अब तीनों में कोई डिफरेंस नहीं है तो ट्रायंगल वाला पार्ट देखो, ट्रायंगल वाला पार्ट देखते हैं। पहले ट्रायंगल यहाँ गई, कैसे आई वो बाद में देख लेंगे, फिर ट्रायंगल यहाँ आई, उसके बाद ट्रायंगल यहाँ गई, तो अब ट्रायंगल 100% यहाँ जाएगी। इस कॉर्नर में ट्रायंगल जाएगी तो बी गया। अब ये किस तरीके से आएगी उस पे बात कर लेते हैं। देखो बच्चे, पहले ये इस डायरेक्शन में थी ऊपर की तरफ, फिर ये एंटी क्लॉकवाइज 45 डिग्री आ गई, बात समझे, ऊपर की तरफ थी, एंटी क्लॉकवाइज 45 डिग्री आ गई, बात समझ में आई, ठीक है, ये ऊपर की तरफ थी, एंटी क्लॉकवाइज 45। अब कई बच्चों के माइंड में ये हो रहा होगा कि सर आप कैसे कह सकते हो कि एंटी क्लॉकवाइज 45 डिग्री आई, हम ये भी तो मान सकते हैं कि ये वाला कॉर्नर जो है, ये वाला कॉर्नर यहां आया, हम ये भी मान सकते हैं कि ये वाला कॉर्नर यहां था तो 90 डिग्री यहां आया, ट्रायंगल तो ट्रायंगल होती है, सारे कॉर्नर सेम होते हैं, बात समझ में आई, ये माइंड में आएगा। हाँ तो आएगा तो माइंड में रखो ना, तो रोटेशन देखो किस तरीके से। तो अगर आप थोड़ा सा रोटेट करके देख रहे हो तो थोड़ा सा इस तरफ टर्न हुआ, फिर 135 टर्न हुआ, फिर 135 टर्न हुआ, तो फिर टर्न होगा, यानी कि टर्न होगा तो उल्टा नहीं बनेगा, या इतना बनेगा, इतना ही बनेगा, और ऊपर की तरफ होगा, नीचे की तरफ बेस नहीं होगा, ये गलत, ठीक है। या फिर आप बेस को भी लेकर के चल सकते थे, इक्विलेटरल ट्रायंगल, हालांकि बेस सारे सेम है, हालांकि आप किसी भी बेस को भी पकड़ सकते थे कि ये बेस जो है, ये बेस ऐसे हुआ, फिर ये बेस ऐसे हुआ, फिर ये बेस ऐसे हुआ, देखो पहले बेस ऐसे था, फिर ये बेस ऐसे हुआ, फिर ये बेस ऐसे हुआ, फिर ये बेस ऐसे हुआ, अब ये बेस ऐसे होगा नीचे की तरफ, नीचे की तरफ बेस होगा, ऊपर की तरफ नहीं होगा,
ये खत्म, डी इज द राइट आंसर। बात समझ में आई? ठीक है, चलो भाई आ जाओ नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। बताओ जल्दी से बताओ। देखो बच्चे, सिंपल सा फंडा है, लाइक हुआ दबा दीजिए ना, भोजपुरी में ऐसे ही बोलते हैं ना। बताओ, कमेंट करके बताओ जो बिहार से देख रहे हैं कि लाइक कर दीजिए, इसको भोजपुरी में कैसे बोलते हैं। पहले लाइक करना, उसके बाद बोलना है। चलो आ जाओ। पहले ये इस तरफ हुआ एक एरो, पहले तो एरो ही गिन लेते हैं। एक एरो, दो एरो, तीन एरो, चार एरो। अब कितनी एरो? अब एरो आएंगी पांच, पांच एरो आएंगी, डी खत्म। एरो कनेक्ट नहीं होंगी, बी खत्म। पांच एरो आएंगी, डी खत्म। एरो कनेक्ट नहीं होंगी, बी खत्म। अब ये क्लॉकवाइज है, ये एंटी क्लॉकवाइज है। ये क्लॉकवाइज है बच्चे, घड़ी की दिशा में, ये एंटी है। फिर ये क्लॉकवाइज है, फिर ये एंटी है। तो अब क्लॉकवाइज होंगी, एंटी क्लॉकवाइज नहीं होंगी, ए खत्म। सी इज द राइट आंसर, सी सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ेंगे। कई बार ऐसा होगा कि आपको ऐसा लगेगा अभी तक तो वो टाइप चल रहा है जिसमें फिगर रोटेट हो रही है, ऐसा भी आएगा कि जिसमें फिगर रोटेट हो ही नहीं रही, तो क्या होगा? वो टिपिकल टाइप होती है, उसके लिए लाइक वर्क करना हो, करान करना हो। अभिषेक, अच्छा अभिषेक, लाइक कर दो हो, है लाइक वर्क कर देना हो महाराज, हरियाणा से है सर जी, हरियाणा भी तो मेरे को, मेरे को सब पता है। लाइक करा है कि मारूं तेरा, ये हरियाणा में बताऊं तने, लाइक करा है कि ना मानना है, ये है हरियाणवी। ठीक है चलो, देखो पहले देखो भाई, सिंपल सा फंडा है, ट्रायंगल का बेस किस तरीके से जा रहा है। पहले ये बेस ऐसे था, फिर ये बेस ऐसे बन गया, ये बेस ऊपर की तरफ चला गया। पहले बेस यहाँ था, फिर बेस यहाँ आ गया, फिर बेस यहाँ आ गया, फिर बेस यहाँ आ गया। तो अब बेस नीचे होगा, सी खत्म। तीन ऑप्शन गलत करना, सी खत्म। उसके बाद, उसके बाद देखो बच्चे, ब्लैक डॉट वाइट डॉट, ब्लैक डॉट वाइट डॉट, तो ब्लैक डॉट आएगा, डी खत्म। ब्लैक डॉट आएगा, डी खत्म। नेक्स्ट देखो, वाइट ब्लैक, वाइट ब्लैक, वाइट होगा, ए खत्म। तो बी इज द राइट आंसर, बी सही जवाब है। ठीक है चलो अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। जो मैं आपको कह रहा था कि पर्टिकुलर फिगर रोटेट कहाँ हो रही है वो पता ही ना चले, कोई भी फिगर रोटेट कहाँ हो रही है वो नहीं पता चले, तो ऐसे केस में हम क्या करेंगे? ठीक है, ऐसे केस में हम क्या करेंगे, जल्दी से सोचो। इसमें भी दो टाइप बनती है, आ जाओ। देखो अब अगर आप इस केस को देखोगे, ठीक है, इस केस में आपको कुछ नहीं समझ में आएगा कि कैसे क्या हो रहा है। ठीक,
किसी एक फिगर को पकड़ लिया, मान लो स्टार यहां पकड़ लिया, फिर स्टार यहां चला गया, फिर स्टार नीचे आ गया, क्या हो रहा है? कुछ नहीं समझ में आएगा। ऐसे केस में क्या करना है? ऐसे केस में कई फिगर को एक साथ पकड़ो, जैसे इन तीनों को एक साथ पकड़ते हैं, इन तीनों को एक साथ अगर हम पकड़े तो तीन नीचे आ गया, स्क्वायर और नीचे आ गया और स्टार ऊपर चला गया। दोबारा सुनो, तीन नीचे आ गया, स्क्वायर नीचे आ गया, स्टार और ऊपर चला गया। ठीक है, तीन नीचे आया, स्क्वायर और नीचे आया, स्टार और ऊपर चला गया। अगले में देखते हैं, सारा फिगर ऐसा ही हो रहा है, टी नीचे आया, वी नीचे आया और नाइन ऊपर चला गया, और ये दोनों आपस में इंटरचेंज हो गए। क्लियर हुआ? देखो, तीन नीचे आया, स्क्वायर नीचे आया, स्टार ऊपर चला गया, तीन नीचे आया, वी नीचे आया, नाइन ऊपर चला गया, ये आपस में इंटरचेंज हो गए। नेक्स्ट में देखते हैं, नेक्स्ट में देखो, अब यही चीज इसमें इसके साथ फॉलो हुआ है। स्टार यहां गया, इक्वल यहां गया, ये नाइन यहां गया, ये आपस में इंटरचेंज हो गए। सेम, स्क्वायर यहां गया, सर्कल यहां गया, वी यहां गया। अब यही चीज इसके साथ हुआ है, ये नीचे आया, ये नीचे आया, ये ऊपर चला गया। ठीक है, देखो, ये नीचे आया नाइन, नाइन और नीचे आया, डी और नीचे आया और वी ऊपर चला गया। अब इस तरफ जाएगा, इस तरफ वी यहां चला जाएगा, स्क्वायर यहां चला जाएगा और ये यहां पहुंच जाएगा। तो सर्कल वी स्क्वायर किसमें है गलत, किसमें है गलत, किसमें है गलत, एक ही ऑप्शन बचा। मान लो दो ऑप्शन बच जाते तो क्या करते? अगले को करते, टी आगे बढ़ता, स्टार और आगे बढ़ता और तीन यहां आता, ये दोनों आपस में इंटरचेंज, तब भी बी इज द राइट आंसर। कई बार ऐसा होता कि पर्टिकुलर एक फिगर का नहीं पता चल रहा, ग्रुप ऑफ फिगर का पता चल रहा है, कई सारे ग्रुप में काम कर रहे हैं, ये तीन अकेले ग्रुप में काम कर रहे हैं, ये तीन अकेले ग्रुप में काम कर रहे हैं, आपस में इंटरचेंज हो रहे हैं, ये तीन अकेले ग्रुप में काम कर रहे हैं, ये तीन अकेले ग्रुप में काम कर रहे हैं, ये आपस में इंटरचेंज कर रहे हैं। बड़ा मजेदार क्वेश्चन है, बहुत मजा आया क्वेश्चन को देख करके। ठीक है, जल्दी से इस क्वेश्चन के लिए लाइक दबा दो। अच्छा क्वेश्चन आता है जब बड़ा खुश दिल खुश हो जाता है, क्योंकि हल्का क्वेश्चन तो आप छोड़ोगे नहीं एग्जाम में, टिपिकल पैटर्न मैंने आपको करा दिया तो एग्जाम में हेल्प मिलेगी, ताकि टफ से टफ एग्जाम में भी आप, टफ से टफ शिफ्ट में भी आप स्कोर कर पाओ। ठीक है, चलो नेक्स्ट, नेक्स्ट देखो जल्दी से। अल्टरनेट ले सकते हैं, हाँ ठीक है, अल्टरनेट ले सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है, एक छोड़ करके एक। मजा आया क्वेश्चन में, कैसा लगा भाई? आप लोगों के लिए ना आजकल क्वेश्चन बनाने के लिए, क्वेश्चन छाटने के लिए प्रीवियस ईयर कराना इम्पोर्टेंट नहीं है, प्रीवियस ईयर पे रिसर्च करना इम्पोर्टेंट है, प्रीवियस ईयर पे रिसर्च करना इम्पोर्टेंट है। जैसे सीपीओ हुआ, सीपीओ में नो शिफ्ट में पेपर हुआ, अब नो शिफ्ट के 50 क्वेश्चन, 450 क्वेश्चन, ये 450 क्वेश्चन सारे सोल्व किए, इन सारे सोल्व करके 50 बेस्ट क्वेश्चन ले, इन 50 बेस्ट क्वेश्चन का अलग से क्लास कराई मैंने, करा रखी है, पिछले क्लास नहीं देखी है तो देख लेना, अलग से क्लास कराई बेस्ट बेस्ट सीपीओ के क्वेश्चन। ऐसे ही अभी सीजीएल, सीएचएसएल, एमटीएस सारे एग्जाम के बेस्ट बेस्ट क्वेश्चन छाट लिए। ये 50 दिन 50 मैराथन क्यों आपके लिए इंपॉर्टेंट है? ये इसलिए इंपॉर्टेंट है क्योंकि इनमें बड़े बेहतरीन क्वेश्चन आपके लिए छाट करके लेकर के आ रहा हूं मैं। ठीक है, ताकि अच्छे अच्छे अच्छा अच्छा आपका लेवल बन पाए, अच्छे ढंग से आप एग्जाम दे पाओ। कोई भी ब्लैक नहीं है, एक ब्लैक है, दो ब्लैक है, तीन ब्लैक है, तो चार ब्लैक होंगे, तो पांच ब्लैक वाले तो कैंसिल कर दो। ठीक है, और जो चार ब्लैक होंगे तो वो चारों के चारों ब्लैक कहाँ कहाँ जाएंगे? देखो, ये एक ब्लैक वार यहाँ शिफ्ट हो गया,
फिर ये एक ब्लैक हुआ, ये यहाँ शिफ्ट हुआ, देखो एक ब्लैक हुआ ये यहाँ शिफ्ट हो गया, फिर यहाँ से एक ब्लैक हुआ ये यहाँ शिफ्ट हो गया, फिर ये एक ब्लैक हुआ ये यहाँ शिफ्ट हो गया, अब ये एक ब्लैक हो गए और ये यहाँ शिफ्ट हो जाएगा, अब ये एक ब्लैक यहाँ शिफ्ट हो जाएगा तो बच क्या जाएगा, ये चार ब्लैक तो यहाँ शिफ्ट हो जाएंगे जो कि हर एक ऑप्शन में है, ठीक है, ये चार ब्लैक तो यहाँ शिफ्ट हो जाएंगे जो कि हर एक ऑप्शन में है। उसके बाद बीच में क्या बचेगा, बीच में जो रह गया, जो रह गया वही तो बचेगा, बीच में ये रह गया, ये रह गया, ये रह गया, ये रह गया और ये रह गया, यानी कि सेंटर में चार सर्कल रह गए, ऐसे ये खत्म हो चुके हैं, ऐसे ये खत्म हो चुके हैं, सेंटर में एक बार चार सर्कल, तो डी इज द राइट आंसर, डी बिल्कुल सही जवाब है, ठीक है, डी फॉर डोरेमोन, डी फॉर दिल लगी, डी फॉर दिला दो जॉब, डी फॉर दादागिरी, आ जाओ, ये फिर से अच्छा क्वेश्चन जिसको मैंने आपको कहा था कि जब ये ना पता चले ये डॉट कहाँ गए, फिर ये डॉट कहाँ गए, फिर ये डॉट कहाँ गए और अब ये डॉट कहाँ जाएंगे, जब ऐसा केस आ जाए कि कौन कहाँ जाएगा, ऐसे केस में हम क्या करेंगे, जल्दी से जवाब दो। चलो डी फॉर धोखा, डी फॉर दिल मांगे मोर, हाय हाय, कोई तो दिल मोर मांग रहा है, कोई धोखा खा के बैठा है ना, कोई देख रही है ना, कैसे कैसे सोच रहे, चलो सब दुखी हो रहे हैं, ओके से सिंगल हैं वो इस बात से दुखी हैं कि वो सिंगल है डबल हैं वो इस बात से दुखी हैं कि बाबू ने खाना खाया कि नहीं खाया, और जिनको छोड़ के चलेगी वो इस बात से दुखी हैं कि छोड़ के क्यों चलेगी, और जिनको छोड़ के नहीं गई वो इस बात से दुखी है कि छोड़ के क्यों नहीं जा रही, सब दुखी है, इसलिए सरकारी नौकरी लो, सब सुख में ही होगा, सब जीवन बड़ा सुख में ही होगा, है ना, कोई आए ना आए लेकिन ऑप्शन बहुत सारे नजर आएंगे, ठीक है, चलो आ जाओ, यहाँ देखो, देखो जब ऐसा केस आ जाए, मैंने आपको क्या कहा था कि जब ऐसा केस आ जाए कि आपको कुछ पता ही ना चले कि कहाँ क्या हो रहा है, इस दुनिया में क्या हो रहा है, तब ऐसे केस में क्या करेंगे, ग्रुप ऑफ फिगर देखो या कोई पर्टिकुलर पोजीशन देखना कि वहां जो कुछ भी है वो कहाँ जा रहा है, जो कुछ भी है, दो तरीके के बता रहा हूं मैं, दो तरीके से देखो, नंबर एक तरीका आपको बता रहा हूं कि ग्रुप ऑफ फिगर को देख लो या पर्टिकुलर पोजीशन को पकड़ लो, जब आपको ये ना पता चले, एक बार दोबारा सुनो, जब आपको ये ना पता चले कि कोई पर्टिकुलर फिगर कहाँ जा रही है तो ऐसे केस में क्या करेंगे, ऐसे केस में देखो, जैसे एट द रेट पहले यहां गया, फिर एट द रेट यहां गया, फिर एट द रेट यहां गया और अब एट द रेट कहां जाएगा नहीं पता चल रहा, जब ऐसा केस हो जाए, जब आपको ये ना पता चले कि कौन कहां जाएगा और कहां से आया, तब ऐसे केस में पर्टिकुलर पोजीशन पकड़ लेना, मतलब पर्टिकुलर पोजीशन का मतलब चाहे ये कॉर्नर पकड़ लो, चाहे ये कॉर्नर ले लो, चाहे ये कॉर्नर ले लो, चाहे सेंटर ले लो, किसी भी एक पोजीशन को पकड़ लेना, बात समझ में आई, ठीक है, समझ में आई तो थम्सअप करो फटाफट, किसी भी एक पोजीशन को पकड़ लेना, फिगर को नहीं, किसी भी एक पोजीशन को, जैसे मैंने सेंटर वाली पकड़ ली, सेंटर में जो कुछ भी था वो यहां पहुंचा, सेंटर में जो कुछ भी था वो यहां पहुंचा, सेंटर में जो कुछ भी था वो यहां पहुंचा, और सेंटर में जो कुछ भी था वो यहां पहुंचा, ठीक है, सेंटर में जो कुछ भी था वो यहां पहुंचा, अब सेंटर में है क्या, ये देखो सेंटर में हैस है वो यहां पहुंचेगा, सेंटर में हैस है वो यहां पहुंचेगा, यानी कि एट द रेट यहां नहीं पहुंचेगा और ये यहां नहीं पहुंचेगा, दो ऑप्शन गए, ठीक है, दो ऑप्शन गए, उसके बाद आगे बात करते हैं, किसी भी फिगर को पकड़ लो, एक चीज और, जब दो ऑप्शन चले जाए तो उन दोनों ऑप्शन को कंपेयर भी करना, कंपेरिजन भी जरूरी है, दोनों ऑप्शन को कंपेयर करना, किसी भी
पर्टिकुलर कंपेयर करने का मतलब है कि जो बदलाव हो रहा है उस पोजीशन को देखना, जो बदलाव हो रहा है उस पोजीशन को देखना, जो सेम है उस पोजीशन को मत देखना। हालांकि इसमें तो तीनों ही बदलाव हो रहे हैं, तो किसी भी पोजीशन को पकड़ सकते हो। जैसे यहाँ जो कुछ भी है वो यहाँ आया, डॉट थे वो यहाँ आया, यहाँ हैश था वो यहाँ आया, यहाँ ये सिंबल था वो यहाँ आया, तो यहाँ एट द रेट था वो यहाँ आएगा, और यहाँ आएगा मतलब यहाँ पर एट द रेट बन जाएगा इस पार्ट पर, इस पार्ट पर एट द रेट बन जाएगा, तो बी खत्म, सी इज द राइट आंसर। ठीक है, बात समझ में आई? चलो क्लियर है, डन। ठीक है, तो आपको क्वेश्चन कैसे लगते हैं, क्वेश्चन से ज्यादा क्वेश्चंस की एक्सप्लेनेशन कैसी लगती है, ये आप कमेंट सेक्शन में जरूर बताया करो। साथ में मैं आपके कमेंट्स पढ़ता हूँ, हर वीडियो के कमेंट्स पढ़ता हूँ, जब आप वीडियो खत्म हो जाती है उसके बाद जो आप कमेंट करते हो ना, उन कमेंट्स को पढ़ता हूँ, क्योंकि ये लाइव चैट तो चली जाती है, तो मैं आपका वेट करता रहता हूँ, कि आपके सजेशंस भी सुनता हूँ, आपके नेगेटिव कमेंट्स भी पढ़ता हूँ। आप सोचो, देखो मेरे जिंदगी का एक रूल है, अगर आपको कामयाब होना ना, तो जिंदगी में एक रूल बना लेना, बेस्ट फ्रॉम वर्स्ट। बेस्ट फ्रॉम वर्स्ट क्या बोला, कि जो वर्स्ट से वर्स्ट सिचुएशन है उसमें भी आप बेस्ट से बेस्ट क्या निकाल सकते हो, बेहतरीन से बेहतरीन क्या निकाल सकते हो। देखो बेस्ट से बेस्ट तो कोई भी निकाल देगा, वो कहावत है ना मार्केटिंग का, कि भी बेस्ट से बेस्ट तो कोई भी निकाल देगा, गुड से भी बेस्ट मेहनत करके निकाल देंगे, वर्स्ट से बेस्ट निकालना अपने आप में कला है। तो आप तैयारी कर रहे हो, आपके सामने सिचुएशन वर्स्ट है, उसमें से बेस्ट पार्ट निकालो ना। और तैयारी करते वक्त एक बात का स्पेशल ध्यान रखना, इमोशंस होकर के तैयारी करना, अपने इमोशंस को जीरो मत करना, अपने माँ बाप के प्रति इमोशंस, अपने घर वालों के प्रति इमोशंस, अपने घर की कंडीशंस के लिए इमोशंस, उसके लिए इमोशंस, दिल से इमोशंस, क्योंकि उस इमोशंस के साथ आप मेहनत करोगे ना, तो वीक में 4 दिन तो आप सेल्फ मोटिवेटेड रहोगे कि यार मुझे कुछ करना है, यार मुझे कुछ करना है, मुझे कुछ आगे बढ़ना है, मुझे मेहनत करनी है, मुझे मेरे घर की सिचुएशन संभालनी है, मुझे मतलब उससे शादी करनी है, कोई भी इमोशंस हो सकता है, मुझे ये करना है, मुझे वो करना है। इमोशनल होकर के मेहनत करोगे तो ज्यादा मेहनत करोगे। ठीक है, तो इमोशंस बुरे नहीं होते, पॉजिटिव डायरेक्शन में अगर इमोशंस दें तो पॉजिटिव वो इमोशंस बढ़िया होते हैं। तो मैंने शुरुआत की थी बेस्ट फ्रॉम वर्स्ट, तो अगर आप नेगेटिव भी कमेंट करते हो ना, तो उससे भी मैं बेस्ट पार्ट निकाल के आता हूं कि और ज्यादा बेहतरीन बच्चों के लिए क्या करें, और क्या हो सकता है। आपके चैप्टर सजेशन में पढ़ता हूं कि बच्चे क्या पढ़ना चाहते हैं, बच्चों की प्रॉब्लम क्या आती है वो कमेंट सेक्शन में पढ़ता हूं, ये सब आप कमेंट सेक्शन में बाद में बताया करो, वीडियो खत्म होने के बाद जरूर। ठीक है, चलो वीडियो खत्म होने के बाद मैं वेट करूंगा आप लोगों का, नेक्स्ट नेक्स्ट पार्ट में पढ़ते हैं, आ जाओ। कुछ भी ये इस टाइप का तो हो ही गया था, ये तो हो ही गया था, कुछ भी नेगेटिव बोलना है तो वो भी बोल देना भाई, स्वागत है आपका, दिल से स्वागत है। मजा तो पॉजिटिव और नेगेटिव सबको पॉजिटिव करने में है ना। आ जाओ, अब देखो मैंने आपको क्या कहा कि जब ये समझ में नहीं आए कि कौन सी फिगर कहाँ जा रही है, तब आप पर्टिकुलर पोजीशन को पकड़ना कि पोजीशन कैसे कैसे रोटेट हो रही है। ठीक है, जल्दी से सोचो फटाफट। डी 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 ग्रुप ऑफ फिगर्स को भी आप पकड़ सकते हो। ठीक है, सी ए डी, बहुत बढ़िया। देखो ये सब कुछ बिखरा बिखरा नजर आ रहा है, सब कुछ बिखरा बिखरा नजर आ रहा है, तो कहाँ से क्या होगा उस पार्ट को सोचते हैं। समझ में नहीं आ रहा बच्चों के कि ये जेड यहाँ गया
अब जेड यहाँ गया, अब जेड यहाँ गया, अब जेड कहाँ जाएगा, है ना। तो आप फिगर को देखते जाओ, देखो ध्यान से, जेड यहाँ था, फिर यहाँ आया और फिर यहाँ आया। तो अकेले जेड की अगर मैं पोजीशन की रोटेशन की बात करूँ तो जेड अकेला इस तरीके से रोटेट हो रहा है। बात समझ में आ रही है? जेड अकेला इस तरीके से रोटेट हो रहा है ना। तो अगर अकेले जेड की रोटेशन की बात करूं तो जेड यहां से यहां गया सेंटर में, सेंटर से यहां आया और यहां से फिर यहां आ गया। अब यहां से फिर यहां आ गया तो ऑब्वियसली वापस अगर इसी रोटेशन में घूमता मिला तो जेड सेंटर में पहुंचेगा, जेड सेंटर में पहुंचेगा, और जो कि सेंटर में सी ऑप्शन में तो नहीं है, ठीक है। बट अकेले जेड की वजह से हम क्वेश्चन को नहीं मान सकते, और भी सोचना पड़ेगा, ठीक है, और भी हमें देखना पड़ेगा। स्टार को देख लेते हैं, जेड की पोजीशन तो क्लियर हुई, स्टार को देख लेते हैं। देखो स्टार पहले यहां गया, फिर वापस आ गया, फिर यहां चला गया, फिर वापस आ गया, तो फिर यहां चला जाएगा। सॉरी, इससे तो वापस आएगा ना, क्वेश्चन मार्क में तो सोल्व करना ही है। स्टार यहां गया, फिर वापस आ गया, फिर यहां गया, स्टार यहां था, आगे गया, आगे इसमें आगे गया, फिर पीछे आया, फिर आगे गया, अब पीछे आएगा, अब पीछे आएगा तो यहां ये ऑप्शन बनेगा। सेंटर में जेड आएगा तो यहां सेंटर में जेड नहीं था, यहां स्टार नहीं था, तो ये दो ऑप्शन तो गलत हो चुके अभी तक। नेक्स्ट, अगले में बात करते हैं। देखो अब बचे ये दो, स्टार और जेड तो हो चुके हैं, ये दो बचे। अब अगर दो की बात करूं तो इन दोनों का अगर आप देखोगे तो सी पलट भी रहा है। ये भी तो देखो कि सी यहां आ रहा है फिर पलट रहा है, सी फिर यहां आ रहा है फिर पलट रहा है, फिर सी वापस पूरा आ रहा है फिर से पलट रहा है, तो फिर सी आगे जाएगा और फिर से पलटेगा, और पलटेगा तो सी ऐसे आएगा, और सी ऐसे आएगा तो ये ऑप्शन खत्म। वो तो दोनों में था ही, ए इज द राइट आंसर, ठीक है, क्लियर हुआ। बड़ा अच्छा क्वेश्चन था, मजा आ गया, दिल खुश हो गया। ऐसे क्वेश्चन ऐसे ऐसे देते रहे ताकि मेरे बच्चे सोल्व करते रहे, बाकी बच्चे पीछे रह जाए। ऐसे ऐसे ध्यान रखे, ऐसे क्वेश्चन मेरी बात का जवाब, मेरे बात जरूर सुने और ऐसे क्वेश्चन जरूर सोल्व बच्चों को दें। इस क्वेश्चन को करो, जो किसी से सोल्व ना हो वो मेरे बच्चे सोल्व कराएं, बाकी पीछे रह जाए, मजा नहीं आ जाएगा है? चलो जिन बच्चों ने वीडियो को अभी तक लाइक पे क्लिक नहीं किया, यात्रीगण कृपया ध्यान दें, लाइक पे क्लिक किए बगैर गाड़ी में यात्रा करना मना है, दंडनीय अपराध है, और इसके लिए आप स्वयं जिम्मेदार होंगे। चलो नेक्स्ट देखते हैं। देखो बच्चे सिंपल सा फंडा है, अगले में अगर हम बात करें तो पहली चीज तो एक ब्लैक है बाकी वाइट है, बट किस डायरेक्शन में ब्लैक और किस डायरेक्शन में वाइट है वो हम देखेंगे, ठीक है। ये पहले ऐसे था, फिर ये पहले ऐसे था, ऐसा हो सकता है, दो चीजें हो सकती हैं, ध्यान से सुनना, क्लॉकवाइज हुआ हो, वापिस एंटी क्लॉकवाइज हुआ हो, फिर क्लॉकवाइज हुआ हो, फिर वापिस एंटी क्लॉकवाइज हुआ हो, बट कुछ भी हुआ हो डायरेक्शन तो यही आएगी। अगर आप सारे क्लॉकवाइज लेकर के चलोगे तब भी यही आएगी, क्लॉकवाइज हुआ फिर क्लॉकवाइज हुआ फिर से क्लॉकवाइज हुआ तो फिर से क्लॉकवाइज होगा, यानी कि ये वाली डायरेक्शन तो नहीं आएगी, इतना तो कन्फर्म है कि ये वाली डायरेक्शन नहीं आएगी। अब इन दो में, इन दोनों में बच्चे डिफरेंस देखो, ढूंढने की बजाय आप इन दोनों में आपस में डिफरेंस देखो बच्चे। इन दोनों में जब आप डिफरेंस देखोगे, ये वाली ट्रायंगल सेम, ये वाले स्टार सेम, जो भी अलग है वो इस ट्रायंगल की वजह से है, है कि नहीं। इन ट्रायंगल में बदलाव है, ये ट्रायंगल नीचे की तरफ है, वो ट्रायंगल ऊपर की तरफ है। अब आपको ये देखना है कि ट्रायंगल होगा कैसे। ट्रायंगल की अगर मैं बात करूं तो पहले ही बेस ऐसे है, फिर बेस ऐसे है, फिर बेस ऊपर की तरफ है, फिर बेस राइट हैंड साइड है, उसके बाद बेस नीचे की तरफ होगा,
नीचे बेस होगा ऐसे, ये बेस होगा, देखो पहले बेस ऐसे है फिर राइट है फिर बेस ऊपर है फिर राइट है, ठीक है, तो नीचे की तरफ बेस होगा, तो ए इज रॉन्ग, डी इज द राइट आंसर, डी सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ हम बढ़ेंगे, अगला क्वेश्चन सोचो, स्पेलिंग सेम है, कुछ बदलाव नहीं हो रहा है, मतलब शिफ्टिंग होगी, शिफ्टिंग होगी तो कैसे शिफ्टिंग होगी देखते हैं। बहुत बढ़िया भाई, सनी कुंज बिहारी, इतिका हुसैन, दूर से यार नाम नहीं पढ़े जाते एक्चुअली ना, कमेंट पढ़ने की जो एलईडी है ना वो इस तरफ लगी हुई है, और इस तरफ लगी हुई है तो मुझे इस तरफ आना पड़ता है। अब देखो, अब मैं नाम पढ़ सकता हूँ, दीपक कुंज बिहारी, तेजस ना, करण मीना, राज एक्टर, जितेश, जो जो कमेंट पढ़े जा रहे हैं, शैलेश कुमावत, भावना पाल, दीपक जयानी, सौरभ कुमार, सारे बच्चे कमेंट करें, मीरा रानी, सुनील कुमार, गंगा, काजल, निशा, इनकम टैक्स, प्रीति, चंदन, निशा, कलोनी, सलोनी, मतलब कलोनी गलत बोल दिया सलोनी, ठीक है, सलोनी है कि कलोनी है, जो भी है भाई, कलोनी सलोनी सॉरी, चलो आ जाओ, बी बी ए ए डी डी बी बोल रहे हैं, बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया, आ जाओ। देखो अगर हम आगे चलते हैं, देखो पी एस एस पी बदल गया है कि नहीं, आपको तो ऐसा ही लगेगा, बट आगे कहाँ गया, अब आप ध्यान से देखो, पी एक स्टेप आगे गया, पी एक स्टेप और आगे गया, पी एक स्टेप और आगे गया, तो पी एक स्टेप और आगे जाएगा, यानी कि लास्ट में पी होगा डी खत्म, लास्ट में पी होगा डी खत्म। नेक्स्ट नेक्स्ट बात करते हैं, देखो एस की अगर मैं बात करूं तो एस जो है, पी तो शिफ्ट हो गया, फिर पी शिफ्ट हो गया तो ऑब्वियसली एस यहां पहुंच गया, और एस सब में एस ही है तो यहां एस ही रहेगा, आगे देखते हैं। नेक्स्ट डी की मैं बात करता हूं, डी पहले पी ही शिफ्ट हुआ है, पहले से दूसरे में अगर हम बात करें तो आप थोड़ा सा ध्यान से देखोगे तो सिर्फ पी शिफ्ट हुआ है, एस सेम, डी सेम, एल सेम, ओ सेम, फिर से पी शिफ्ट हुआ है, एस सेम, डी सेम, पी शिफ्ट हुआ है, एल सेम, ओ सेम, फिर से अगर हम बात करें तो एस सेम, डी सेम, एल सेम, पी शिफ्ट हुआ है, फिर से अगर हम बात करें तो एस सेम, डी सेम, एल सेम, ओ सेम, पी होगा, यानी कि एस डी एल ओ पी होगा, ये दोनों ऑप्शन खत्म, बी इज द राइट आंसर, बी सही जवाब है। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ेंगे, चलो एक बच्चे ने कमेंट किया था कि सर मेरे 25 में से 20 मार्क्स प्लस रहते हैं, मैं क्या करूं। देखो बच्चे दो चीजें होती हैं, अगर आपके 25 में से 20 मार्क्स रहते हैं प्लस, पहली चीज तो मार्क्स लेना इंपॉर्टेंट नहीं है, पहले मार्क्स का स्कोर बढ़ाना मैं बता देता हूं, नंबर एक, अब जो स्कोर बढ़ेगा 20 से ज्यादा, 25 क्वेश्चन में से 20 प्लस क्वेश्चन ठीक होते हैं मार्क्स नहीं, दोबारा बच्चे ने कमेंट किया 25 में से किस किस के ऐसा केस होता है, कमेंट करो, 20 प्लस क्वेश्चन सही होते हैं, ठीक है, तो आपको क्या करना है, दो तीन चीजों का ध्यान रखना है, नंबर एक काम, उन चैप्टर की लिस्ट बना लो, उन चैप्टर की लिस्ट बना लो, ये जेन्युइन गाइडेंस दे रहा हूं मैं आपको, जेन्युइनली एक बच्चे को क्या करना चाहिए, जिनके बार बार गलत हो रहे हैं, बार बार गलत हो रहे हैं, उन चैप्टर की लिस्ट बना लो, ठीक है। दूसरा, अगर मान लो ऐसे चैप्टर नहीं है, कभी किसी से गलत हो गया तो कभी किसी से गलत हो गया तो कभी किसी से गलत हो गया, पहली चीज तो वो चैप्टर की लिस्ट बन जाएगी जिनसे बार बार गलत हो रहे हैं, और लिस्ट बनने के बाद होगा क्या,
करना क्या है। आरजी विक्रमित एप्लीकेशन पर फ्री ऑफ कॉस्ट, फ्री ऑफ कॉस्ट एक चीज डाल रखी है। आरजी विक्रमित एप्लीकेशन पर जब आप जाओगे तो आपको फ्री ऑफ कॉस्ट एक स्मार्ट ई बुक दिखाई देगी, रीजनिंग की एक ई बुक दिखाई देगी। आरजी विक्रमित एप्लीकेशन डाउनलोड करके ई बुक के सेक्शन में जाना, कोई पैसा नहीं है, फ्री ऑफ कॉस्ट आपको स्मार्ट ई बुक दिखाई देगी। अब उस ई बुक का करना क्या है, उस ई बुक का एक चीज ध्यान रखना, मैं आपको दिखा देता हूं। ये ई बुक है, इस ई बुक को पूरी को सोल्व कर लेना, पूरी को, बट पहले वो सोल्व करना, सिर्फ ये नहीं टॉपिक को, एक उस बच्चे का भी जवाब है जो ये कह रहा था कौन से टॉपिक इंपॉर्टेंट है, सिर्फ ये टॉपिक इंपॉर्टेंट है अभी के सीजीएल के लिए, यही टॉपिक, उन टॉपिक को करना जो आपके बार बार गलत हो रहे हैं, जो आपके बार बार गलत हो रहे हैं। फिगर सीरीज करा रहा हूँ, जैसे फिगर सीरीज हो गया, यही क्वेश्चन तो कराए थे अभी, इन्हीं का सॉल्यूशन कराया है मैंने फिगर सीरीज पे। स्मार्ट ई बुक इसलिए बोल रहा हूँ, गो टू इंडेक्स पे चले गए, गो टू इंडेक्स हो गया। ब्लड लेसन गलत हो रहा है, ब्लड लेसन पे क्लिक कर दिया, गो टू इंडेक्स गए, गो टू इंडेक्स। कैलेंडर के गलत हो रहे हैं, कैलेंडर का गलत कर दिया, ठीक कर दिया, गो टू इंडेक्स गए। वापस से फिगर काउंटिंग करना है, फिगर काउंटिंग कर लिया। ये सारे क्वेश्चन लगा देना नंबर एक, ठीक है, क्योंकि इसमें 2022 के सवाल हैं सारे, ई बुक सोल्व करनी है, ठीक है। ई बुक 2.0 जो कि आरजी विक्रमित एप्लीकेशन पर मिलेगी, ठीक। दूसरा मॉक टेस्ट, 111 मॉक टेस्ट जो मेरी बुक है, 111 मॉक टेस्ट की जो बुक है, उस मॉक टेस्ट को जरूर लगा लेना। ये सारे के सारे मॉक टेस्ट को सोल्व कर लेना बार 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 बार, मतलब 15 मिनट के अंदर अंदर, 15 मिनट। अगर आपके 15 मिनट के अंदर सोल्व नहीं हो रही, रीजनिंग करना इंपॉर्टेंट नहीं है, टाइम बचाना इंपॉर्टेंट है रीजनिंग में। मैं जो कॉन्सेप्ट सिखाता हूँ उसमें टाइम बचाना पे फोकस रहता है। तो 15 मिनट में एक मॉक सोल्व करना, ये बुक आप आरजी विक्रमित एप्लीकेशन से मंगा सकते हो, ठीक है। तो 15 मिनट में ही सोल्व करना, इस चीज़ का ध्यान रखना, ठीक है। एक एक मॉक टेस्ट 15 मिनट में, अगला मॉक टेस्ट 15 मिनट में। मान लो 15 मिनट में 20 क्वेश्चन सोल्व हुए, मान लो 15 मिनट में 22 क्वेश्चन सोल्व हुए, बाकी छोड़ देना, बाकी सब छोड़ देना, बट उतने ही करने जो 15 मिनट में सोल्व हो। ये काम आप जब तक आपका एग्जाम ना हो तब तक आप करते रहना। चलो अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। करो नंबर सीरीज करा दो, ये जितने भी चैप्टर की लिस्ट है ना, जो जो आप कह रहे हो कि ये करा दो वो करा दो, ये कमेंट सेक्शन में बाद में बताना, आ जाओ इसका करो जल्दी से। ऑनलाइन कहाँ मिलेगी 111 मॉक टेस्ट की? मॉक टेस्ट कहाँ मिलेगा सर? ये 111 मॉक टेस्ट है बच्चे, ये देखो ये बुक है, 2022 के सबसे लेटेस्ट सवाल है, ठीक है। ये बुक आप आरजी विक्रमित एप्लीकेशन से मंगा सकते हो। एक सौ ग्यारह मॉक टेस्ट ये है, ठीक। सारे 2022-23 के लिए सबसे लेटेस्ट सवाल हैं, सिर्फ और 21 के भी सवाल नहीं है, 22-22 के लेटेस्ट सवाल हैं। इन लेटेस्ट सवालों को इकट्ठा मॉक टेस्ट के रूप में 111 मॉक टेस्ट, कोई 30 करता है, कोई 40 करता है, इसीलिए लिखा है 50 में से 50 गारंटेड। इसके लिए आपको क्या करना होगा, आरजी विक्रमित एप्लीकेशन से ही स्टोर पे क्लिक करके वहीं से ऑर्डर कर देना है। स्टोर पे जाओ और स्टोर पे जा करके आरजी विक्रमित एप्लीकेशन से वहीं से स्टोर पे जा करके क्लिक करके वहीं से ऑर्डर कर दो, ठीक है। चलो आप फ्लिपकार्ट अमेजन से भी मंगा सकते हो, वहां पर भी अवेलेबल है। तो क्वेश्चन कौन सा था उस पर आते हैं अपन, हम ये था। चलो देखो बच्चे, इस केस में क्या हुआ कि अगर आप किसी पर्टिकुलर फिगर को देख रहे हो तो ये यहाँ पहुंचा, फिर ये यहाँ आया, नहीं समझ में आ रहा जब ये ऐसा हुआ, ठीक है। तो क्या करना है, आप पर्टिकुलर फिगर को मत देखो, आप ये देखो कि कौन कहाँ से किस पोजीशन से जा रहा है। किसी भी पोजीशन को पकड़ लो, जैसे फॉर एग्जांपल यहाँ जो कुछ भी वो यहाँ पहुंच रहा है, स्क्वायर यहाँ है तो यहाँ पहुंच रहा है, नीचे वाले पार्ट में जो कुछ भी वो सेंटर में पहुंच रहा है,
नीचे वाले पार्ट में स्क्वायर है सेंटर में पहुंच रहा है, नीचे वाले पार्ट में पेंटागन है सेंटर में पहुंच रहा है, नीचे वाला पार्ट में सर्कल है तो सेंटर में पहुंच रहा है, यानी कि सेंटर में सर्कल पहुंचेगा। चीज क्लियर हुई? सेंटर में सर्कल पहुंचेगा, सर्कल पहुंचेगा तो ये खत्म, ये खत्म। बोलो यस और नो। बाकी दो के ऊपर बात करते हैं नेक्स्ट पे। किसी भी डायग्राम को देख सकते हो आप, सेंटर वाला यहां पहुंच रहा है। देखो स्क्वायर था वो यहां पहुंचा, एरो था वो यहां पहुंचा, स्क्वायर था वो यहां पहुंचा, पेंटागन था वो यहां पहुंचा। पेंटागन यहां पहुंचेगा, पेंटागन यहां पहुंचेगा तो दोनों ऑप्शन में पेंटागन यही है। पेंटागन नहीं, हेक्सागन, छह साइड है ना, षटभुज, वो यहां पहुंचेगा, दोनों ऑप्शन में यही है। तो इसलिए कह रहा था कि उस पार्ट को देखो जो डिफरेंट है, सेंटर सेम है। इस पार्ट को देखो या इस कॉर्नर को देखो, इस कॉर्नर पे ये देखो कहां से आ रहा है, इस कॉर्नर पे आया कहां से, सर्कल आया, क्या सर्कल, सर्कल कहां से आ रहा है, यहां से। देखो सर्कल आया ना अगले में, यहां से, तो यहां जो कुछ भी हो यहां पहुंचेगा, यहां जो कुछ भी हो यहां पहुंचेगा, यहां जो कुछ भी हो यहां पहुंचेगा, यानी कि यहां पर स्क्वायर पहुंचेगा, और यहां पर स्क्वायर पहुंचेगा तो सी खत्म, ए इज द राइट आंसर। हर बच्चा ए जवाब दे रहा है, बहुत बढ़िया। किरण, संजना, हितिका, सनी, रवि कुमार, योगिता, आईटीओ संदीप, बहुत बढ़िया भाई सारे बच्चे। ए फॉर अनारकली, डिस्को चली, तेजस, चलो आ जाओ भाई, अनारकली को डिस्को लेके जा रहे हैं भाई ये तो। बताओ देखो कैसे बच्चे, नेक्स्ट की तरफ बढ़ते हैं। कर लोगे उसके बाद ये सीजे लो, क्या हो गए, एक बार गो टू इंडेक्स फिगर सीरीज। देखो फिगर सीरीज इस स्मार्ट ई बुक में फिगर सीरीज के जो सीएचएसएल के जो क्वेश्चन है वो सारे के सारे मैंने करा दिए, ठीक है। चलो सीएचएसएल वाले सारे क्वेश्चन मैंने ले लिए, एक सेकेंड, कुछ क्वेश्चन और भी बचे हुए हैं अभी, फिर सीएचएसएल के बाद सीजीएल के क्वेश्चन आएंगे, सीजीएल के बाद देखते हैं। और एमटीएस के क्वेश्चन आएंगे, ठीक है। कोई ये बचाओ, ये करो आसान है तो, इसको तो कर दो, कितना जल्दी आंसर दोगे। अरे भाई ट्रायंगल का कोण पहले यहाँ पहुंचा, फिर यहाँ पहुंचा, फिर यहाँ पहुंचा, फिर यहाँ पहुंचा, तो फिर ऊपर पहुंचेगा, ऊपर पहुंचेगा तो नीचे क्यों है गलत, नीचे क्यों है गलत। सीजल वाले क्वेश्चन कराऊं, यस और नो, जल्दी से कमेंट करें। चलो नेक्स्ट, उसके बाद सर्कल वाइट था, ब्लैक वाइट होगा, ब्लैक क्यों दे रखा, गलत, ठीक है। नेक्स्ट इस क्वेश्चन को करो जल्दी से, यस सर, यस 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 सर, यस सर, यस सर, यस 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 यस। आज समझ में आ जाएगा आप लोगों का सिलेक्शन क्यों नहीं हो रहा, या तो आप डेली क्लास नहीं लेते। शाम को 7 बजे मैं डेली आपको यूट्यूब पे क्लास करा रहा हूँ, अगर आप डेली क्लास नहीं लेते तो पहली गलती ये कर रहे हो। दूसरी गलती ये है कि अगर आप डेली क्लास ले रहे हो तो एक भी क्लास उठा करके देख लो आप, 50 दिन रीजनिंग खत्म वाली एक भी क्लास, जिसमें मैंने 50 दिन 50 मैराथन वाली, जिसमें मैंने वो प्लेलिस्ट सजेस्ट ना की हो, फ्री वाली चीज़ें बता रहा हूँ, वो प्लेलिस्ट सजेस्ट ना की हो जिसमें 25 दिन रीजनिंग खत्म ना बताया हो। 25 दिन रीजनिंग खत्म की पहली वीडियो आप देखोगे फिगर सीरीज है, और जिसमें सारे सीजीएल के क्वेश्चन करा रखे, यस वालों सारे सीजीएल के क्वेश्चन करा रखे 25 दिन रीजनिंग खत्म की पहली वीडियो में, आप देखना, देख लेना। इसका मतलब आपने नहीं देखी, यस तो तभी करोगे ना,
ये यहां पहुंचा, ये यहां पहुंचा, तो ये यहां पहुंचेगा, ये यहां पहुंचेगा, ठीक है। ये यहां आया तो अब ये यहां पहुंचेगा। अब देखो ये इस डायरेक्शन में था, फिर ये ऊपर था, फिर ये ऐसे था, फिर ये नीचे था, फिर ये इस डायरेक्शन में आएगा, तो ये तो यहाँ एरो देने रखे गलत, ठीक है। दो लाइन पहले नीचे थी, फिर दो लाइन साइड में थी, फिर दो लाइन ऊपर थी, फिर दो लाइन साइड में थी। देखो नीचे थी, फिर साइड में थी, फिर ऊपर थी, फिर इस साइड थी, तो फिर अब रोटेट होते होते नीचे आएंगी, नीचे आएंगे तो ये खत्म, नीचे आएंगे तो ये खत्म, नीचे आएंगे तो बी इज द राइट आंसर। बी बिल्कुल सही जवाब है। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ेंगे। सोचो देखो, ये कॉमा है, ये डॉट है, ये अकेला कॉमा है, बना देता हूँ, ये कन्फ्यूज हो रहे होंगे डॉट में और कॉमा में। करो जल्दी से, आ जाओ। देखो सबसे पहले तो कोई भी पर्टिकुलर फिगर देखते हैं, कोई पर्टिकुलर फिगर ना समझ में आए तो पोजीशन देखते हैं। ये दो डॉट यहाँ पहुँचे, फिर दो डॉट यहाँ पहुँचे, फिर दो डॉट यहाँ पहुँचे, नहीं समझ में आ रहा कोई कहीं जा रहा है। तो जब ऐसा हो, कोई पर्टिकुलर फिगर रोटेट ना करे, तो पोजीशन पकड़ लो। यहाँ जो कुछ भी है वो यहाँ पहुँचा, यहाँ जो कुछ भी है वो यहाँ पहुँचा, तो यहाँ जो कुछ भी है वो यहाँ पहुंचा, तो मेरे बच्चे यहाँ जो कुछ भी है वो यहाँ पहुंचेगा, डॉट होगा और फिर दो लाइन होंगी, यानी कि ये ऑप्शन खत्म, ये ऑप्शन खत्म, ये ऑप्शन खत्म, बन गई बात, ऐसे ही होता है, ठीक है, क्लियर है, डन। नेक्स्ट आ जाओ। अब इसमें फिगर रोटेट हो रही है तो सबसे पहले ये देखना कि क्या फिगर रोटेट हो रही है, नहीं हो रही तो ये देखना कि किस तरीके से ये यहां पर पहुंचा, ठीक है, उसके बाद ये यहां पहुंचा, उसके बाद ये यहां पहुंचा, और उसके बाद ये यहां पहुंचा। तो पहले ये यहां था नीचे की तरफ, फिर ऊपर की तरफ, फिर नीचे की तरफ, फिर ऊपर की तरफ, तो अब नीचे की तरफ होगा तो डी खत्म, नीचे की तरफ होगा तो डी तो गया। नेक्स्ट पे बात करते हैं। पहले बेस नीचे था, फिर बेस राइट हैंड साइड है, फिर बेस टॉप पे है, फिर बेस लेफ्ट हैंड साइड है, तो फिर बेस बॉटम पे होगा और ऐसे होगा, तो ये ऑप्शन खत्म। दो लाइन जो होंगी वो ऊपर की तरफ होंगी, एक डार्क होगी, ये खत्म, ए इज द राइट आंसर, ए बिल्कुल सही जवाब है। तो आज देखोगे सीजल वाली सीरीज, कसम खाओ सीजल वाले क्वेश्चन करने हैं ना, तो सीजल वाली सीरीज देखोगे ना, प्लेलिस्ट में जा करके, प्लेलिस्ट में जा करके, जैसे चैनल को अगर आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर दो, क्योंकि ब्लैक रेड बटन जब तक रहेगा तब तक खतरे की घंटी रहेगी। कौन सी वीडियो देखनी है, 50 दिन 50 मैराथन तो देखना ही देखना है, उसमें तो सारी वीडियोज बेस्ट हैं ही। साथ में एग्जाम से पहले फास्ट रिविजन करके चले जाना, फास्ट रिविजन करके जाना एग्जाम से पहले, 25 दिन रीजनिंग खत्म वाली वीडियो, ठीक है, 25 दिन रीजनिंग खत्म वाली वीडियो
फास्ट रिवीजन करके चले जाना, ठीक। इसमें डे वन डे टू, डे वन अगर आप देखोगे तो सीरीज ही है, नॉन वर्बल सीरीज ही है, उसमें सीजीएल के सारे क्वेश्चन दे करवा रखे हैं। आप ध्यान से देखोगे तो सीजीएल के सारे क्वेश्चन हैं, इसको देख देख जाना, ठीक है। चलो नेक्स्ट नेक्स्ट की तरफ बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन करो जल्दी से। कॉलिंग नंबर पे कॉल कर लो बच्चे एक बार, मीना पवन यादव, मीना नहीं मीन मी एम ई ए, अच्छा एम ई एन पवन यादव, ओके। लगातार लिख रखा था ना बच्चे आपने। देखो सिंपल सा फंडा है, दोबारा आ गया ये सेम क्वेश्चन, पहले ये सर्कल नीचे साइड में था, फिर नीचे था, फिर साइड में था, फिर ऊपर होगा, फिर साइड में आ गया। ठीक है, फिर साइड में आ गया, डन। तो ऐसा इसमें कर रखा है, नहीं इसमें कर रखा है, नहीं, दोनों ऑप्शन खत्म। अब तो बता दो, ट्रेंगल ट्रेंगल अगर हम बात करें तो पहले बेस नीचे था, फिर राइट हैंड साइड है, फिर टॉप पे है, फिर लेफ्ट है, तो फिर नीचे होगा, बेस नीचे होगा, ये खत्म, ए इज द राइट आंसर। अरे नीचे होगा बेस यार, नीचे था, राइट हैंड साइड था, टॉप था, लेफ्ट हैंड साइड था, तो नीचे होगा, नीचे होगा तो ए होगा ना, क्लियर, ठीक है। चलो थोड़े एमटीएस के क्वेश्चन देख लो एक बार, सीजल वाले तो मैंने उसमें करा दिए, 25 दिन रीजनिंग खत्म में, अगर आपको देखने हैं तो देख लेना, और देखने हैं तो देख लेना, नहीं देख के चले जाना, कहीं पता चले। एक सेकेंड यार, चलो इस क्वेश्चन को करो जल्दी से, बताओ इस क्वेश्चन को करो। देखो सिंपल सा फंडा है, पहले अगर हम आगे बढ़ेंगे तो देखो, अगर हम देखें कि कौन कहाँ पहुंच रहा है तो उससे हो जाएगा, ये यहाँ पहुंचा पेंटागन, फिर पेंटागन यहाँ पहुंचा तो पेंटागन अगले में यहाँ पहुंचेगा, यहाँ पर पेंटागन पहुंचेगा तो डी खत्म, नेक्स्ट में सर्कल यहाँ पहुंचा, फिर सर्कल यहाँ गया तो अब सर्कल यहाँ जाएगा, सर्कल तीनों में जा रखा है। नेक्स्ट में अगला देख लो ना, सारे रोटेट हो रहे हैं ना क्लॉकवाइज, ठीक है। ट्रेंगल ट्रेंगल जो बीच में है, अगले में यहाँ पहुंची, अगले में यहाँ पहुंची, तो अगले में इस पार्ट में ट्रेंगल पहुंचेगी, इस पार्ट में ट्रेंगल नहीं पहुंच रही, दो बज गए। देखो नेक्स्ट, उसी प्रकार सारे रोटेट हो रहे हैं सारे क्लॉकवाइज, ये यहाँ आ गया, हेक्सागन यहाँ आया, फिर हेक्सागन यहाँ आया, तो फिर उसके बाद हेक्सागन यहाँ आएगा और यहाँ हेक्सागन आएगा, तो बी खत्म, सी इज द राइट आंसर, सी सही जवाब है, ठीक है, डन। चलो क्लियर है, उसके साथ साथ अगर आपको ढंग से रीजनिंग बिल्कुल बेसिक से सीखनी है, बड़े तरीके से सीखनी है, तो आप कॉम्बो बैच ज्वाइन कर सकते हो, कॉम्बो बैच में रीजनिंग,
मैथ इंग्लिश जीएस चारों स्पेशल मिल जाएंगे, जिसमें मैथ्स आदित्य रंजन सर स्पेशल कराएंगे, मैथ स्पेशल इंग्लिश प्रशांत सोलंकी सर स्पेशल कराएंगे, रीजनिंग मैं आपको कराऊंगा, जीके जीएस की बड़ी बेहतरीन टीम आपको जीके जीएस कराएगी मात्र 2500 रुपये में। इसके लिए करना क्या होगा, वही आरजी विक्रमजीत एप्लीकेशन जिस पर डेली फ्री में क्विज होते हैं। आपको पता है आरजी विक्रमजीत एप्लीकेशन पर डेली मैथ्स के फ्री में क्विज होते हैं और उनके से इतना फायदा हो रहा है। आरजी विक्रमजीत एप्लीकेशन में डेली फ्री में रीजनिंग के क्विज होते हैं, जीएस के क्विज होते हैं, डेली फ्री में करंट अफेयर अपलोड होते हैं बड़े बेहतरीन कंटेंट के साथ। इतनी सारी चीजें फ्री में होती हैं आरजी विक्रमजीत एप्लीकेशन पर डेली होती हैं। और वो क्या आप अटेम्प्ट करते हो डेली क्विज? नहीं। क्या आप डेली की करंट अफेयर पढ़ते हो? नहीं। क्योंकि आप उस सेक्शन में जाओ और उस कंटेंट को पढ़ करके देखो, फिर आपको मजा आएगा, फिर आपको पता चलेगा। तो उसके बाद अगर आप बैच ज्वाइन करना चाहते हो तो आप इस इतने अमाउंट में इस आरजी विज्ञान एप्लीकेशन पर ज्वाइन कर सकते हो, बेहतरीन से बेहतरीन कंटेंट पढ़ने के लिए। क्योंकि हम पढ़ाना जानते हैं, सिलेक्शन दिलाना जानते हैं, इसलिए हम हमेशा पहले पढ़ना पढ़ाई पे फोकस करते हैं कि पढ़ने के लिए बैच ज्वाइन करना, एमए मत करना, बेशक मत करना, पढ़ाई करो ढंग से सिंसियर होकर के तो ज्वाइन करना। आरजी विक्रमजीत एप्लीकेशन डाउनलोड करके आप रीजनिंग का वीओडी बैच भी ले सकते हो। वीओडी बैच का मतलब रिकॉर्डेड बैच, रिकॉर्डेड बैच का मतलब एक साथ सारे चैप्टर, जिससे बच्चों का सीजीएल आ रहा है दो चैप्टर स्ट्रॉन्ग करने, रिकॉर्डेड ज्वाइन करो, अभी सीजीएल आ रहा है बड़ा फास्ट रिविजन करना है, रिकॉर्डेड ज्वाइन करो, ठीक है, नेक्स्ट ईयर के पढ़ना है लाइव ज्वाइन करो। तो इस तरीके से आप अपना डिसाइड कर सकते हो कि आप रिकॉर्डेड बैच लेते हो या आप लाइव बैच लेना चाहते हो। डेली आप अटेंड कर सकते हो लाइव क्लासेस, डेली आप लाइव पढ़ना चाहते हो, कमेंट सेक्शन में डाउट्स पूछना चाहते हो तो आप लाइव ज्वाइन करो, अदरवाइज आप रिकॉर्डेड बैच ज्वाइन करो, जिसमें टाइम टू टाइम चीज़ें अपडेट होती रहती हैं। बड़े बेहतरीन तरीके से, बड़े तरीके से इस बैच को रिकॉर्ड किया गया है। इसमें सीजीएल प्री और मेंस, मेंस की और वीडियो जाएंगी, इसमें और भी वीडियो जाएंगी मेंस की, यानी कि मेंस के लिए आपको अलग से मेंस का बैच ना लेकर के रिकॉर्डेड बैच में ही मेंस की वीडियोज ऐड हो जाएंगी, यानी कि आपके सीजीएल प्री प्लस मेंस, यानी कि हर बच्चे की पसंद जो होती है ये रिकॉर्डेड बैच, इसीलिए सजेस्ट करते हैं। और सबसे ज़्यादा ये बैच रिकमेंडेशन से बच्चे ज्वाइन करते हैं, एक ने ज्वाइन किया अपने यार पित्र यार मित्र भाई बंधुओं को बताते रहे कि हाँ भाई इस बैच से मैंने बड़ा जबरदस्त अपनी रीजनिंग को स्ट्रॉन्ग किया। तो इस बैच को आप आरजी विक्रमजीत एप्लीकेशन से ज्वाइन कर सकते हो। टिल देन बाय बाय, टेक केयर, लव यू ऑल। आज मैंने जो कुछ भी पढ़ाया है वो आपको टेलीग्राम पर मिलेगा, रैंकस गुरुकुल ऑफिशियल टेलीग्राम, रैंकस गुरुकुल ऑफिशियल टेलीग्राम ज्वाइन करें, ठीक है, इस टेलीग्राम को ज्वाइन कर सकते हो। चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें बच्चे, आपका प्यार ही हमें मोटिवेट करता है। और कमेंट सेक्शन में बताएं वीडियो कैसी लगी, क्या और कुछ चाहते हो, या आपके सेलेक्शन के बीच में कौन आ रहा है, क्या परेशानी हो रही है, या मेरे लिए कुछ सजेशन हो तो कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। टिल देन बाय बाय, टेक केयर, लव यू ऑल, साईं ब्लेस यू। ऐसे ही मुस्कुराते रहें, पढ़ते रहें, आगे बढ़ते रहें, जिंदगी में खुशहाल रहें। थैंक यू।